हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञानवीर, रीजनिंग फैकल्टी, चाणक्या क्लैट क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉजिकल डिडक्शंस में चार टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप, टाइप वन, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे और उसमें बताए थे इफ ए हैपेंस बी हैपेंस, उस कंडीशन में क्या होता है। आज के वीडियो में हम सेकेंड टाइप यानी टाइप टू में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। जो सेकेंड टाइप है वो कहता है कि ओनली इफ ए हैपेंस बी हैपेंस। जो पहला टाइप था हमारा, उसमें था इफ ए हैपेंस बी हैपेंस। इसमें है सेकेंड टाइप में ओनली इफ ए हैपेंस बी हैपेंस, ओनली इफ ए हैपेंस बी हैपेंस। तो इसका मतलब होता है कि ए इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ बी। ए इज द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ बी। यानी जो टाइप वन था उसमें इफ ए हैपेंस बी हैपेंस होता था तो ए होगा तो बी जरूर होगा, लेकिन वहां पर बी होगा तो ए होगा जरूरी नहीं है। बट इन दिस केस इन टाइप टू, ओनली इफ ए हैपेंस बी हैपेंस के केस में इट्स रिवर्सिबिलिटी विल ऑल्सो बी ट्रू, और यू कैन से मस्ट बी ट्रू। रिवर्सिबिलिटी विल मस्ट बी ट्रू। यानी इसका मतलब हुआ कि बी होगा तो ए भी होगा और ए जरूर होगा। ए होगा तो बी होगा ही होगा, लेकिन बी होगा तो ए भी होगा। ये है पहले टाइप और दूसरे टाइप में डिफरेंस। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि ओनली इन अफ्रीका कैन यू सी द अफ्रीकन एलिफेंट, ओनली इन अफ्रीका कैन यू सी द अफ्रीकन एलिफेंट। ऑप्शन दिया यू वेंट टू अफ्रीका, यू डिडंट गो टू अफ्रीका, यू सी द अफ्रीकन एलिफेंट, यू डिडंट सी द अफ्रीकन एलिफेंट। अब एक चीज इसमें समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। जैसे पिछले टाइप में भी मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन ऐसा देगा जो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, यानी आंसर उसी दोनों में से किसी एक में होना है, उसी दोनों में से। तो यहां पर भी जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड डी बी है और ऑप्शन नंबर फोर बी डी है, यानी डी बी का ऑपोजिट बी डी, यानी आंसर या तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा या फिर ऑप्शन नंबर फोर होगा, या तो आंसर डी बी होगा या फिर आंसर बी डी होगा। ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री आपका आंसर नहीं होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बात समझना जरूरी है, और वो बात ये है कि अगर आप दिल्ली गए किसी काम से, अगर आप दिल्ली किसी काम से गए, दिल्ली में लाल किला है, पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है, ये सब दिल्ली में ही है और तो कहीं नहीं है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही है, लाल किला दिल्ली में ही है, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में ही है। तो अब जब आप किसी काम से दिल्ली गए हैं तो आप राष्ट्रपति भवन को देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, आप पार्लियामेंट हाउस को देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं।
आप लाल किला देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली गए हैं तो आप राष्ट्रपति भवन देखेंगे ही देखेंगे, आप पार्लियामेंट हाउस देखेंगे ही, आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे ही। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप काम से गए वहां पे, एक दिन का काम था, आपने अपना काम निपटाया और वापस आ गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो जब आप दिल्ली गए और ये सब सारा चीज दिल्ली में ही पाया जाता है, दिल्ली के अलावा और कहीं राष्ट्रपति भवन है नहीं, और कहीं सुप्रीम कोर्ट इंडिया में है नहीं, तो आप दिल्ली जाने के बावजूद भी इन सब चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में ही है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही है, लाल किला दिल्ली में ही है, तो अगर आप दिल्ली नहीं जाते हैं, अगर आप दिल्ली नहीं जाते हैं तो आप राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस, लाल किला, जो भी चीज है वो आप नहीं देखेंगे, ये फैक्ट है। आप गए हैं तो उस चीज को देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो इन सब चीजों को नहीं ही देखेंगे, ये पक्की बात है। आप इन सब चीजों को नहीं देखेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। इन द सेम मैनर इफ यू गो टू द अफ्रीका यू मे और मे नॉट सी द अफ्रीकन एलिफेंट, बट इफ यू विल नॉट गो टू द अफ्रीका यू विल डेफिनेटली नॉट सी द अफ्रीकन एलिफेंट। तो यहां पर देखो, यू वेंट टू अफ्रीका यू सी द अफ्रीकन एलिफेंट मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अफ्रीका नहीं गए तो आप अफ्रीकन एलिफेंट नहीं ही देखेंगे, यानी यू डिडंट गो टू अफ्रीका यू डिडंट सी द अफ्रीकन एलिफेंट, ये सच बात है, ये सही बात है। यानी बी और डी आपका आंसर हो गया, डी और बी गलत हो गया। तो होपफुली आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा, बाकी के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे ऑफिशियल चैनल चाणक्य क्लैट क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो को आप देखते रहें और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।